तो यहाँ पर उड़ाएंगे अभी हम ड्रोन, आपको ड्रोन शॉट देखने को भी मिलेंगे। निकल गए हम लोग सॉन्ग से भी, और अभी मिस्टर जी के बदले देवरानी जी आगे आ गए, लेडीज आगे जेंट्स पीछे बैठ चुके हैं। तो गाइज हम लोग पहुँच गए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला महीना कार्तिक फसल स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ब्लॉग्स उत्तराखंडी पे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में मॉर्निंग से कर रही हूँ और फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो रेडी होकर हम लोग जा रहे हैं आज मंदिर। तो शादी के बाद देवर जी और देवरानी तो पहले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं मंदिर, और जहाँ हम मंदिर जा रहे हैं मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। वैसे भी सिंगल में भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और जोड़ी में भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आज नीलू को नहीं ले जा रहे हैं, आज हमने गाड़ी बुक की है क्योंकि पूरी फैमिली जा रही है, नीलू पर पूरी फैमिली जा नहीं सकती है। तो अब फैमिली टूर कर रहे हैं तो साथ में जाएंगे तभी मज़ा आता है, इसलिए हम नीलू को नहीं ले जा रहे हैं। तो निकलते हैं घर से, सब लोग रेडी हो चुके हैं, सब लोगों ने साड़ी पहनी है और मैंने सूट पहना है क्योंकि ब्लॉगिंग में साड़ी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साड़ी भी पकड़नी पड़ती है और गोप्रो भी, तो उसमें दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सीधे सूट ही पहन लिया है। तो ये सूट मेरे को गिफ्ट मिला था। हेलो नीलू की यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। तो ये सूट मेरे को गिफ्ट मिला था जो मैंने सिलवाने दिया था मामा जी के बेटे के बचपन पे मिला था ये, तो मैंने वहीं सिलवाने दिया था, वो लेके आई। और यहाँ पे देवरानी जी भी रेडी हो चुके हैं। हेलो हाय। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं अभी घर से और हम लोग जा रहे हैं आज भद्रतुंगा, जो कि सौधारे साइड को है, मतलब पत्यासा सूपी साइड को, और भद्रतुंगा की बात आता है सौधारा। तो आज ना वहाँ पे मेला होता है वैसे करके, और टाइम मेला होता है, तो पिछले 2 साल से लॉकडाउन चल रहा था उसके हिसाब से पता नहीं है, वहीं जाके पता चलेगा। और तपतकुंड पर भी आज मेला होता है, हम दोनों जगह जाएंगे, पहले भद्रतुंगा जाएंगे फिर नीचे आते टाइम तपतकुंड का मेला भी देख के आएंगे, और आप लोगों को ड्रोन शॉट भी दिखाएंगे वहाँ का, हम ड्रोन भी साथ में ले जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग निकलने लग गए हैं घर से और मैं आगे से बैठी हूँ, और आज हमारी नीलू अकेले है घर पे, तो फैमिली टूर था तो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं, सब लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं, बाहर का कोई भी नहीं है, चाचा की बेटी, बुआ लोग और बाकी हमारी फैमिली है, और हम लोग जा रहे हैं आज ताऊ जी की गाड़ी में। बुबू लोग घर पे ही हैं आज, बहुत चढ़ाई है ना इसलिए बुबू लोग नहीं आ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ नहीं पाते हैं, तो निकल चुके हैं हम लोग घर से। जय माता दी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नीचे मंदिर पे जहाँ पर माता रानी का मंदिर है, तो यहाँ पे भी पूजा पाठ कर रहे हैं क्योंकि रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, शादी के दिन भी हमने यहाँ पर पूजा की थी, और आज हम यात्रा पे मंदिर ही जा रहे हैं तो रास्ते में यहाँ नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ से भी कंटिन्यू करते पूजा करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ चलने लगी माता रानी के मंदिर में, बाकी भेंट चढ़ाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए सॉन्ग वाली रोड पे, और यहाँ पे भी मंदिर है, तो पापा यहाँ पर पूजा करने के लिए उतर गए सामने, तुरतुरिया बोलते हैं यहाँ पे, तुरतुरिया पुल के पास है ये मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं, मैगी पहुँच गए, और यहाँ पर हम ज़्यादा रुकेंगे नहीं क्योंकि हमें मंदिर जाना है, तो आधे टाइम रुकेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से देखते हैं मम्मी लोग भी आ रहे हैं यानी, तो सब लोग अभी ऊपर आएंगे, यही हम लोग मैगी पहुँच गए, यहीं से होते हुए जाएंगे हम ऊपर। मैं आ गई हूँ मैके से, आ गए मार्केट में, और यहाँ से ले जा रहे हैं हम मंदिर के लिए सामान क्योंकि ऊपर बार बार नहीं रुकेंगे, तो यहीं से ले जा रहे साथ में। ऑटो तो मेरे को परसों के दूल्हे को दिखाना है। हेलो बोलो, ये सपना कहाँ है? तो यहाँ पर मंदिर के लिए सामान रखने लगे, तेल, पंचमेला और अगरबत्ती, पिठा, सब चीज। यहाँ से सब लोग जाने लगे, सॉन्ग की फैमिली भी तैयार हो गई है मेरी, तो मम्मी आ रही थी वैसे, उसके बाद चंदा लोग नहीं आ रहे थे, तो पापा लोगों ने जीत करके इनको भी तैयार कर लिया। निकल गए हम लोग सॉन्ग से भी, और अभी मिस्टर जी के बदले देवरानी जी आगे आ गए हैं, लेडीज आगे जेंट्स पीछे बैठ चुके हैं, आज नई मामी के साथ बैठा है, छोटी मामी के साथ। लक्कू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है उसे, तो मिलते हैं आपको सीधे आगे को, नई नई जगह देखने को मिलेंगी आज, और मैं भी पहले टाइम जा रही हूँ, आपको भी फर्स्ट टाइम दिखाऊंगी मैं, तो नई नई जगह दिखाते रहूंगी मैं आपको। गाइस यहाँ पर रोड की हालत बहुत गंदी हुई है, और अभी हम जा रहे हैं अब सूपी वाले रोड में, ये रोड जाती है चौरास्थल को और ये जा रही है सूपी पत्यासा, तो हम इस वाली रोड में जाएंगे, भद्रतुंगा मंदिर इस वाली रोड में है, और बाकी आप देख ही सकते हैं हिसालू पके हुए सामने, यहाँ से नजर जा रही है, और हम ढूंढ रहे हैं काफल का पेड़, काफल खाएंगे कहीं पर जब। तो
हम लोग रास्ते में रुक गए हैं और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, तो हनुमान जी के मंदिर पे पूजा पाठ कर लेते हैं। रास्ते में जितने मंदिर आ रहे हैं तो पूजा पाठ करते हुए जा रहे हैं। और जब मैं बहुत पहले आई थी यहाँ पर बचपन में, तब यहाँ पर रोड भी नहीं थी, मंदिर भी नहीं थी, पैदल यात्रा थी, तब आई थी मैं यहाँ पर। और आज मेरे को बहुत अच्छा लगा, इतनी ग्रो हो रहा है धीरे धीरे करके पहाड़ भी। तो जैसे गिठिया में हनुमान जी का मंदिर बड़ा वाला, यहाँ के लिए यही काफ़ी है इतना ज़्यादा। तो गाइस ये देखो, ये तो सामने यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की भी सोच रहे हैं शायद, तो ड्रोन भी उड़ाएंगे, तो यहाँ पर उड़ाएंगे अभी हम ड्रोन। आपको ड्रोन शॉट देखने को भी मिलेंगे गाइस, आप देखिए ड्रोन शॉट। मैं मिलती हूँ आपको कुछ ही देर में। ऊंचा हिमालय सो धारा जा छू शिव को कैलाश हो, जावे बगानी सर गाइस। हमारा उड़न खटोला वापस आ गया है नीचे, आ जा, आ गया नीचे ये। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और सफर को फिर से कंटिन्यू कर लिया है, और आप लोगों ने ड्रोन शॉट देखे होंगे, तो आई होप आपको ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे। आप लोग कमेंट करना कि ड्रोन शॉट कैसे लगे आप लोगों। यहाँ की रोड ना कच्ची कच्ची वाली भी है ये देखो, तो छोटी गाड़ी के लिए यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं है अभी ये। और यहाँ पे सिंगल रोड है, डबल नहीं है, यहाँ पे पास देने की जगह बहुत कम है, तो नई रोड भी कर रही है ये, पत्थर गिरे हुए हैं ऊपर से। गाइस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पर, और हमें गाड़ी का सफर इतना ही है। अब यहाँ से पैदल है तो थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी पैदल चलने में, जब दर्शन करने जा रहे हैं तो पैदल यात्रा भी है। और गाड़ी को हमने वहाँ पर पार्क कर लिया, बाकी सब लोग जा रहे हैं। लक्कू ने दोनों मामी का हाथ पकड़ा, एक को छांटो बोला, नहीं वो दोनों को नीचे साइड था ये, मैंने मेरे साथ नहीं आ रहा बोला, तो खिसक के ऊपर आके दोनों का हाथ पकड़ लिया और छोड़ भी नहीं रहे अब तो। हम लोग जाना है वहाँ, तो आप लोग भी आइए, यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, तो यहीं से सरमूल भी जाते हैं, सौधारा जहाँ बोलते हैं, तो उसका पूरा एक दिन का रास्ता होता है सौधार का। हम लोग वहाँ तक नहीं, हम तक भद्रतुंगा, हम लोग भद्रतुंगा तक जाएंगे। अब हम आ गए हैं कच्ची वाली रोड पे। हमने अभी यहाँ पर पता किया कि कितना ट्रैक करना है पैदल, कितना है, तो 3-4 किलोमीटर ट्रैकिंग है यहाँ पर। तो आज मिक्स वाला ब्लॉग है, ट्रैकिंग का भी है और वैसे भी है, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं हम और वहाँ का मंदिर कैसा है, क्या है माहौल। सब लोग आगे से जा चुके हैं, बाकी रोड ये कट रही है, वहाँ तक डामर था, फिर वहाँ से कच्ची रोड है, तो ये न्यू कट रही है अभी, ऐसे ही हो रखा है। और यहाँ पे से तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है अब, क्योंकि पत्थर तोड़े होंगे रोड के लिए, कितनी मेहनत लगती है जो रोड बनाने आते हैं ऐसे। और इसके नीचे देखो यहाँ पर नदी है, इतना पत्थर ही पत्थर है नीचे को। हम लोग 2 किलोमीटर आ गए हैं लगभग, और अभी भी चलना है, अभी 2 किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ से दिख नज़दीक रहा है घुमावदार बैंड है, जैसे अल्मोड़ा की बैंड मान सकते हो। यहाँ से ऊपर जाना होगा, इतना लंबा काटना पड़ता है ना, और मुनशाड़ी वाला भी वैसी था, वही यहाँ भी हो रखा है। तो एक तो हम जल्दी नहीं आए घर से, वैसे निकल गए थे जल्दी, बस उतना ही टाइम हो गया। हाँ धूप तेज लग रही है, कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हमें वहाँ के दर्शन करने हैं, भगवान जी का बुलावा आया होगा तभी तो हम यहाँ पहुँचे होंगे। और यहाँ पर अगर रोड कटिंग, शायद अगले साल तक 1-2 साल में यहाँ रोड कटिंग हो जाएगी, तब हम नीलू को लेके आ सकते हैं यहाँ पे। हमने जाना है वहाँ सामने, तो हम लोग लगभग पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर वहाँ पे। और 3-4 किलोमीटर बोला था स्टार्टिंग में, उससे ज़्यादा लग रहा है मेरे को, 5 किलोमीटर तक होगा, लेकिन ऐसे ही रोड ही चलना है। फिर यहाँ से डाउन सिंगल रास्ता है, तो पापा लोग तो नीचे पहुँच गए वहाँ पर, हम लोग थोड़ा आगे आगे लास्ट है, तो वहाँ से अभी नीचे जाएंगे हम लोग। और दिया गुंजल और सब लोग पहुँच गए वहाँ पर, हमने जाना है वहाँ। तो गाइज हम लोग पहुंच गए फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, भद्रतुंगा है, तो अभी यहाँ पर मंदिर के दर्शन करते हैं। कहाँ पे क्या है इस चीज़ के बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है, तो मुझे यहाँ से जानकारी मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी। और मम्मी लोग थोड़ा पहले पहुंच गए थे, तो यहाँ पर रेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग थोड़ा सा देर में आए। तो ये कैसा हुआ पैदल यात्रा, मस्त है। तो चलते हैं यहाँ से आगे को, और यहाँ पे दुकानें भी लगी हैं, जैसी उत्तरायणी होती है वैसे करके बैसाखी पूर्णिमा भी मनाते हैं हमारे वहाँ पे। तो मिस्टर जी लोग भी यहाँ पे हैं,
ये तो ये सारी हमारी फैमिली आ रही है पीछे को, बाकी कोई नहीं है। ताऊ जी, दीदी, मम्मी, चंदा। सुनने में आया था मेरे कि जैसे चार धाम केदारनाथ हुए, पांचवा धाम यहाँ बना रहे हैं सरमू, तो आप लोग फटाफट से पांचवे धाम में पहले दर्शन कर लीजिए, तो उसके बाद नज़दीक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे लोग शॉपिंग कर रहे हैं, नीचे ऊपर दुकानें लगी हुई है। जो यहाँ जनेऊ करने आता है तो नीचे कर सकते हैं, नीचे यहाँ पर बना रखा है, बैठने का अच्छा है नदी के किनारे। बाकी यहाँ पे हम लोग मंदिर के दर्शन करते हैं, मंदिर का अंदर का तो मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि कहीं भी बनाने का अलाव होता नहीं है, और खुद का मन भी नहीं करता यहाँ का, तो पता है नहीं मुझे, अपने मन से नहीं बनाऊंगी। सरयू नदी यहीं से निकलती है सरमूल से। ये तो गाइस जी है भैरव देवता का मंदिर यहाँ पर। पहले नदी जा रहे हैं हाथ पाँव धोने के लिए, हाथ मुँह धोने के लिए, और वहीं से पानी लेके चलाएंगे यहाँ मंदिर में। तो मम्मी लोग आगे से निकल गए हैं और रास्ता ऐसा है यहाँ का। यहाँ पे नहाने की तैयारी चल रही है किसी की, कोई नहा रहे हैं और कोई हाथ मुँह धो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे मिस्टर जी भी धोने लगे हैं और साथ में वीडियो भी बना दे रहे हैं मिलने। ये मैं फ्रिज के पानी से भी ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे पूजा पाठ, और यहाँ पे पिठा लगा लिया मम्मी ने यहीं पे। बाकी पापा भी पहले सरयू माता को चढ़ा रहे हैं। ऊंचा हिमालय सो धारा जा छू शिव को कैलाश हो। आ चुके हैं हम ऊपर, मंदिर में पानी चढ़ाते हैं, और दीदी भी नीचे ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही है, अपना ब्लॉग बनाते रह रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं दीदी। तो मेहनत सभी ब्लॉगर मेहनत ही करते हैं। यहाँ आके काफ़ी अच्छा लग रहा है नदी, मैं तो फर्स्ट टाइम हुआ, और अभी अभी मैंने मंदिर के दर्शन नहीं किया है अंदर भगवान जी जो भी, और यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ उसके बाद, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बस जगह का नाम पता है मुझे, बाकी चीज़ें यहाँ की में बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं है मुझे यहाँ। ये तो हम लोग नदी से ऊपर फिर से मंदिर के परिसर में पहुँच गए। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर, तो हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ नहीं आए तो पछतावा मत करना, मेरे ब्लॉग में आप लोगों को दिख जाएगा। बस अंदर जो मेन है वहाँ नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मन नहीं मानता ना हर जगह दिखाने के लिए, मना भी होता है कई जगह पर। तो देखते हैं अंदर मना है या है नहीं है, यहाँ की परमिशन है। मैं तो यहाँ पे पहले तो स्लीपर खोल रहे हैं, सब लोग साथ में यहीं पर रख रहे हैं। भद्र तुंगा धाम लेनु तेरो नाम, भद्र तुंगा धाम लेनु तेरो नाम, रख सकरिए रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, रख दिए ध्यान, गाइस पूजा पाठ हो चुकी है और अभी हम मंदिर से वापस ही जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ का मार्केट घूम लेते हैं, यहाँ पे एक दो दुकानें लगी हुई है तो देख लेते हैं, बाकी उसके बाद चलेंगे यहाँ से घर को। और वहाँ पे भैरव देवता का मंदिर है तो वहाँ पे खिचड़ी भी चढ़ाएंगे साथ में। आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और बाहर की साउंड ज़्यादा आ रही है आउटडोर वाली, और मेरी कम आ रही होगी आपके पास आवाज़, तो यही होता है ना मेले में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाया जा रहा, बुआ वहाँ पर है, दीदी भी है, बाकी मिस्टर जी लोग शायद यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की तैयारी चल रही है, तो भद्रतुंगा का आपको ड्रोन शॉट भी मिलेगा। तो 1 2 3 गो रन खटोला। ये तो चला गया यहाँ पर ड्रोन हमारा, हवा चल रही है मैग। ये तो बाकी उधर को जाएंगे, उधर का दिखाएंगे पूरा, सारे सारे लोग ड्रोन को देखने लग गए।
ऊंचा हिमालय सोधारा जा छू शिव को कैलाश हो जावे बगानी सरयू की धारा भद्रतुंगा धाम तेरो नामा भद्रतुंगा धामा लीनू तेरो नामा रख शकरी रख दिए ध्याना 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 भद्रतुंगा धामा लीनू तेरो भद्रतुंगा धामा लेनु तेरो नामा रख सकरिये रख दिए ध्याना 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 कुंड बेरा बागनाथ पुजनी ऊंचा हिमालय सौदारू बकी मासरियू बगनी भद्रतुंगा तपत कुंड बेरा बागनाथ पूजनी बागनाथ धामा तुमके प्रणामा बागनाथ धामा तुमके प्रणामा रख सकरिये रख दिए ध्याना रख दिए ध्याना पाटा
पुकड़े के भद्र तुंगा धामा लेनु तेरो नामा भद्र तुंगा धामा लेनु तेरो नामा रख सकरिए रख दिए ध्यान रख दिए ध्यान रख दिए ध्यान।